नमस्कार किसान साथियों, मैं सतीश स्वामी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल किसान फार्मिंग क्लब में। दोस्तों, आज मैं आया हूं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास, कौन सा गांव है, पाथेड़ा गांव में एक बकरी पालक के पास। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए, आज हम इनसे इनके बकरी फार्म जो पालन ये कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। नमस्कार आशीष भाई। नमस्कार सतीश भाई। पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं आशीष कुमार, गांव पाथेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। तो आप युवा हैं और बकरी पालन कर रहे हैं। हाँ, तो आपने बकरी पालन को ही क्यों चुना, आप तो कुछ और भी कर सकते थे। ये हमारे एक चाचा थे जी, उनके दिमाग का आइडिया है। उन्होंने हमारे को बताया कि बकरियों का फार्म होता है ऐसे ऐसे। पहले मेरे को यकीन नहीं हुआ था कि बकरियों का भी कोई फार्म होता है। हॉर्स फार्म, सूर फार्म, मुर्गा फार्म, इन्हीं के बारे में जानते थे, गाय भैंस की डेयरी। लेकिन हमने एक दो फार्म जाके विजिट किए, उसके बाद मेरे को ये पता चला कि बकरी का भी कोई फार्म होता है। आप कितने साल से कर रहे हैं बकरी फार्म? मेरे को जी 3 साल हो गए। 3 साल पहले आपने शुरुआत की थी? 3 साल पहले शुरुआत की। तो जब आपने शुरुआत की तब ट्रेनिंग वगैरह ली थी या वैसे ही शुरू कर लिया? नहीं जी, मैंने ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली। जहाँ तक मैंने यूट्यूब पे और साथियों से सुना था तो यही सुना था कि ट्रेनिंग के बगैर बकरी पालन अधूरा है। लेकिन मेरे एक साथी वहाँ मथुरा जाके ट्रेनिंग लेके आया है, तो उनका यही कहना है कि ऐसी कोई खास बात नहीं है कि ट्रेनिंग के बिना बकरी पालन अधूरा है। आपने जब शुरू किया फार्म में तो कितनी बकरियों से शुरू किया था? मैंने 10 जखराना ब्रीड की बकरियों से शुरू किया था। अच्छा, वो आप कहाँ से लाए? वो मैंने मेरे पास कनीना के पास कोई गांव था वहाँ से खरीदी थी, और जखराना के बाद मैंने सिरोही ब्रीड का चयन किया, उसके बाद गुजरी का, गुजरी से तोतापुरी, तोतापुरी से सोजत, हैदराबादी, बीटल, अब लगभग सभी प्रकार की ब्रीड की बकरी अपने पास रहती है। जब आपने शुरू किया फार्म में तब इन्वेस्टमेंट कितना किया था? मैंने सर स्टार्टिंग में किया था 4.5 लाख के लगभग इन्वेस्टमेंट। बकरियों पे या फार्म दोनों पे? सभी पे। 1.5 लाख रुपए में फार्म बनाया था। अच्छा, और बाकी बकरियों पे। और ब्रीडर वगैरह वो भी साथ में लिया था या? सभी साथ में। जैसे हमें अब कोई और शुरू करना चाहे फार्म में, आपको तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो कौन सी बकरियों से शुरू करें? जैसे भाई प्रेग्नेंट बकरी ले, खाली बकरी ले, छोटी बच्ची ले, या ईद के लिए? देखो, ईद वाला तो वो सिस्टम अलग हो गया। जिसको ईद के लिए काम करना वो बकरा सिर्फ बकरों का पालन करेगा। हाँ। वो तो बकरे रखेगा, छोटे बच्चे खरीदेगा, उनको तैयार करेगा, फिर बेच देगा। वो तो अलग सिस्टम हो गया। और जो नए किसान हैं जो नया बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, उनको प्रेग्नेंट बकरियों से फार्म शुरू करना चाहिए, ना कि छोटे बच्चे बच्चियां लेकर या खाली बकरियां लेकर। उनसे क्या फायदा होगा? प्रेग्नेंट बकरियों से फायदा ये होगा कि जैसे नया बकरी पालन हम स्टार्ट करेंगे, प्रेग्नेंट बकरियां लाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी बकरियां एक साथ बच्चा दे देंगी। धीरे हाँ। धीरे बच्चा देती जाएंगी, उनकी नॉलेज हमें होती जाएगी। हाँ। आप बच्चों के साथ बकरी ले आए और प्रेग्नेंट भी बकरियां ले आई और छोटे बच्चे भी ले आए, उसमें जो हमारे नए किसान हैं जो नया फार्म शुरू करना चाहते हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। उसका दिमाग विचलित हो जाएगा। हाँ, कि किसी का बच्चा बीमार हो गया तो वो बच्चे की दवा करेगा। हाँ। किसी की बकरी ब्याने में तकलीफ हो गई तो फिर उसकी दवा पूछेगा। कोई बच्ची क्रॉस नहीं हो रही उसकी, वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो 10 बकरियों से स्टार्ट करे और वो भी 2 से 2.5 महीने की प्रेग्नेंट बकरियां, जब तक वो बकरियां बच्चा देने के लिए तैयार होंगी तब तक उसको बकरियों का ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे बच्चों का, उसके बाद उसका फार्म चलता जाएगा। और स्टार्ट कौन से मौसम में करना चाहिए? बरसात से 3 महीने पहले या बरसात से 3 महीने बाद? जो बरसात के मौसम में स्टार्ट नहीं करना चाहिए? बरसात के मौसम में स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बाहर से जो जानवर लेके आएंगे वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त आएंगे, और अगर कहीं से इकट्ठे जानवर ले लिए तो वो यहाँ के बीमार होंगे। अगर पहले हमारे फार्म पे जानवर है और अलग रखने की व्यवस्था नहीं है तो वो पूरे फार्म के जानवर को बीमार कर देंगे। अच्छा, तो अब हम बात करें इनके खर्चे की। जैसे अभी आपके पास कितने जानवर हैं? अभी मेरे पास, कल तक मेरे पास 16 बकरियां थी, 6 बकरियां मैंने सेल कर दी, अभी 10 बकरियां, 1 ब्रीडर और 11 बच्चे हैं। 22-23 जानवर आपके फार्म पर हैं? 24 जानवर अभी मेरे फार्म पे हैं। अच्छा, तो हम जैसे 10 बकरियों की एवरेज करें, हाँ जी,
तो दस बकरी की कर लो, एक बकरी की कर लो, 100 बकरी की कर लो, एक बकरी से आ जाएगा। हाँ, 10 बकरियों की जैसे हम खर्चा की बात करें तो एक महीना कितना खर्चा आएगा? एक दिन का, एक दिन का बता देता हूँ, एक महीने का और एक साल का अपने आप मेरे जो किसान भाई है वो निकाल लेंगे। बकरी को मैं अपना बताता हूँ, नॉर्मल डाइट खिलाता हूँ, ज्यादा हैवी डाइट इसलिए नहीं खिलाता। अगर कोई किसान आर्थिक रूप से कमजोर है, वो मेरी बकरी ले जाए उनके घर पे जाके, वो डाइट उनको मिलेगी नहीं, वो ग्रोथ वही रुक जाए, कमजोर हो जाए। और ज्यादा हल्की डाइट इसलिए नहीं खिलाता कि मेरे पशु जानवर कमजोर है, नॉर्मल डाइट खिलाता हूँ। और नॉर्मल डाइट का मेरे फार्म का एक बकरी का एक दिन का खर्चा है 30 से 35 रुपए। इसमें क्या क्या देते हो आप बकरियों? इनमें मैं इनको सुबह देता हूँ ग्वार का भूसा, और शाम को प्योर डबल फिल्टर हरी पत्ती जो 20 रुपए केजी मैं नागौर से लेके आता हूँ, और शाम को 6 बजे देता हूँ इनको दाना। दाना मैं अपना खुद तैयार करता हूँ, उसमें जौ, बाजरा, मक्का, मेथी और गेहूँ मैं खुद तैयार करता हूँ अपने घर पे। नमक वगैरह? हाँ, नमक पशु रतनों की जो आती है अपनी, हाँ, फाकी, वो सब मिक्स करके आप ये दाना अगर तैयार करोगे तो इसमें आपको 100% है शुद्धता मिलेगी, क्योंकि अपने हाथ से तैयार किया हुआ है। और कैल्शियम वगैरह? कैल्शियम वगैरह की जब आप ये मेथी और जो और मक्का दे रहे हो, हाँ, तो मेरे तो किसी जानवर को आज तक कैल्शियम की कोई जरूरत आई महसूस नहीं किया। बाकी लीवर टॉनिक के तौर पे मैं 15 से 20 दिन में एक बार इनको लीवर टॉनिक पिलाता हूँ। और हरा चारा भी देते हो? हरा चारा में इनको मक्खन, ग्रास और रजगा दोपहर में, अच्छा, 2 बजे 11 से लेके 2 के बीच में। अच्छा, तो 30 रुपए में ये सब हो जाएगा एक बकरी का? नो, ये आप ये समझो 80% डाइट है, हल्की डाइट नहीं है ये, और ज्यादा हैवी भी नहीं है। तो महीने का 1000 रुपए हो गया, साल का 12000। तो जैसे एक बकरी हमारे को फायदा कितने देगी? जैसे हम सोजत की बकरी की बात करें, ये सतीश भाई बकरी पे डिपेंड करता है। बकरी आप 10000 रुपए खरीदते हो, हाँ, वो आपको 12 महीने में 10000 के बच्चे देगी। और एक बकरी आप 50000 रुपए खरीदते हो, वो आपको 50000 के बच्चे देगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरी सोजत की बकरी है 56000 की मैंने खरीदी थी, अच्छा, उसके मेरे फार्म पे वो बच्चों के साथ आई, उसने उसकी 2 बच्चियां फीमेल थी, मैंने 50000 रुपए की सेल कर ली। अब उसने एक बच्चा दिया है, हाँ, जो मेरा बच्चा 30 घंटे का 51000 का बिक गया था। अच्छा, अब 55000 रुपए की, 56000 रुपए की बकरी, हाँ, और उनका मैंने क्या 1,01,000 का माल बेच लिया, हाँ, और अभी अप्रैल में 3री बार बच्चा देगी। अच्छा, अभी ये 3 महीने की प्रेगनेंट है और अप्रैल लास्ट तक ये बच्चा दे देगी। और आपको बताऊं, ये मैंने पिछली साल अगस्त जुलाई में खरीदी थी, जुलाई तक ये मेरे फार्म पे 3 बार बच्चा दे चुकी है, जिसमें से मैं 1.5 लाख रुपए का मेरा इनके बच्चे सेल हो गए। बकरिया मेरे पास, आप प्रेग्नेंट लाए थे? नहीं, मैं ब्याही हुई लाया था, 2 बच्चे इसके साथ थे, दोनों फीमेल छोटे बिल्कुल, 5 से 7 दिन के। वो मैंने दोनों फीमेल 50000 रुपए की सेल की है। अब इनका एक ही बच्चा आया है और वो 30 घंटे का ही 51000 रुपए का सेल हो गया था। अब ये 3री बार प्रेग्नेंट है, बच्चा देंगी मेरे फार्म पे। 15 महीने में 2 बार बच्चा दे देगी बकरी आराम से। ये अपने अपने वो जैसे पहले भी मैंने सोजत के ब्रीडर रखे हैं और भी नस्ल के ब्रीडर रखे हैं। मेरे पास जो ब्रीडर है उसकी उसके अंदर ये खासियत है कि वो 1 महीने से ज्यादा बकरी को खाली रहने नहीं देता है, प्रेग्नेंट कर देता है दोबारा। इस कारण ये 12 महीने में मेरे फार्म पे 2 बार बच्चा दे देगी। अच्छा, तो वो तो बकरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई बकरी में जैसे कोई बीमारी हो, कोई खाना अच्छा नहीं दे तो भी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ये हर बकरी का पीछा करता है, 1 बार 2 बार 10 बार तक पीछा करता है, और 1 महीने के अंदर उसको प्रेग्नेंट करके ही हटता है। और ये मैंने इनका देखा है कि ये प्रेग्नेंट बकरी का कभी पीछा नहीं करता। मैं कोई बकरी कहीं से खरीद के ले आया और कोई प्रेग्नेंट बकरी आ गई तो उसका पीछा कभी नहीं करता ये। और जो बकरी जो खाली होती है, प्रेग्नेंट भी नहीं होती, नीचे बच्चे भी नहीं होते, उसको 10 दिन से ज्यादा रखता नहीं है खाली। अच्छा, तो इनको बीमारियों का कितना खर्चा आ जाता है? कोई बीमारी वगैरह, बड़ी बीमारी आती है फार्म के ऊपर? देखो, मेरे फार्म पे अब तक ऐसी कोई बड़ी बीमारी आई नहीं है। और एक बार एक ऐसी बीमारी मेरे अड़ोस पड़ोस में आई थी, जिसमें 2 जानवर मेरे भी मिस हो गए थे। उस बीमारी का पता ही नहीं चला कि क्या बीमारी थी, क्या कारण थे। उसमें मोस्टली लक्षण PPR के थे। डॉक्टरों से भी हमने पता किया, तो देशी हैं पुराने बकरी पालक, उनसे भी पता किया, लेकिन पता नहीं चला उनका। उसका इलाज किया था, एक फ्लॉक्सिबीएच नाम की दवाई आती है, उसने 5-5 ml आप 3 बार टाइम पिलाओ, और उससे वो सही हो गई थी फ्लॉक्सिबीएच से। वैक्सीनेशन का खर्चा कितना आ जाता है? वैक्सीनेशन का ज़्यादा खर्चा नहीं है, आपको भी पता है और जो पुराने जो किसान फार्मर हैं उनको भी पता है
नए को भी मैं बता दूं, लगभग मोस्टली वैक्सीनेशन 100 जानवर की डोज आती है। हाँ। और इनका 1500 से 2000 का खर्चा होता है। सरकारी अस्पतालों में मिल जाती होगी तो? जिनके पास सरकारी अस्पताल में मिल जाए उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो अपना वहीं से लेके कर लेंगे। नहीं मिलती है तो मेडिकल स्टोर से हम ले सकते हैं। कोल्ड जो जो आइस किट में आती है, कोल्ड चैन मेंटेन आती है, उसका थोड़ा किसान भाई ध्यान रखें। तो जैसे कुछ लोग 10-12 हजार में बाहर कंपनियों में जाते हैं। हाँ जी। तो उससे अच्छा है ये वैसे। एक बच्चों को दे दियो। ये मैं बताऊंगा, जो अपने बेरोजगार युवा हैं, हाँ। वो टिफिन पैक करके सुबह किसी कंपनी में जाते हैं। हाँ, अपने अपने एरिया से तो बाहर जाते हैं, दिल्ली, गुजरात, गुड़गांव। 5-7 हजार रुपए महीने में खुद का खर्चा हो जाता है, खाने का भी, रहने का भी और खुद का भी। और दूसरा उनका एक फिक्स होता है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, 10,000, 12,000, 15,000 फिक्स सैलरी एक फिक्स होती है। हाँ। आप अपने बकरी पालन में कोई फिक्स नहीं है। हाँ। आप कितना भी कमा सकते हो, 10 बकरियों से स्टार्ट करके आप बकरियां बढ़ा भी सकते हो। हाँ, सही। इसकी है। कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कमा सकते हो। घर का काम है, घर पे भी रह सकते हो, अपने समाज में भी रह सकते हो। साथ साथ हम जो सभी हैं, इस लॉकडाउन के दौरान जो ये कंपनियां थी, बंद हो, ये बंद हो गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे। हमने लॉकडाउन में खूब पैसा कमाया है, हमारा काम एक दिन भी बंद नहीं हुआ। अगर कोई ये कभी लॉकडाउन की मार हम पे पड़ी है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई बकरी पालन पे लॉकडाउन की कोई मार नहीं पड़ी। कुछ दिन के लिए पशुओं का जो ट्रांसपोर्ट था वो प्रभावित हुआ था, लेकिन बाकी जो बकरियां तो अपने घर पे बच्चा दे रही थी। हाँ, सही है। क्रॉस भी हो रही थी। हाँ। और जो छोटी बच्चियां थी वो बड़ी भी हो रही थी। हाँ। और जो जब वो लॉकडाउन हटा तो वो भी गए। सही है। तो मैं तो मेरे विचार से तो किसी बकरी पालक पर लॉकडाउन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। तो अपने समाज में तो जैसे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, वो इसको घिन मानते हैं, भाई हम बकरी पालन थोड़ी करेंगे, इतने पढ़ लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, लोगों की एक ये मानसिकता है कि जो ये बकरी पालन है, ये जो पहले जो छोटी जात के लोग होते थे, नीची हाँ। जात को जो हम यहाँ बोलते हाँ। वो करते थे। लेकिन आज मैं बताता हूँ, खेती आधुनिक हो गई। हाँ। पशुपालन है वो आधुनिक हो गया, फिर बकरी पालन पीछे कहाँ रह गया? वो भी तो आधुनिकरण, उसका भी तो हुआ। हाँ, सही है। डेयरी वगैरह, भैंसों की, गायों की आधुनिक हो गई। आज आप देखो हर चीज आधुनिकरण पे चल रही है। हाँ। कोई बकरियां पीछे खा रह गई, आधुनिकरण है ना। जो लोग ये सोच के बकरी पालन नहीं करते कि ये तो नीची जात वाले का लोगों का काम है, क्या कहेंगे, क्या हमारे रिश्तेदार कहेंगे, यार दोस्त, उनकी जो ये संकीर्णता, ये बिल्कुल गलत है। ये विचार अगर लेके आप बकरी फार्म करोगे तो फार्म कर ही नहीं पाओगे, ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बीच में थोड़ा थोड़ा काट दियो। हाँ ठीक है, बोलो। स्टार्ट कर दी? हाँ कर दो। आई टॉपिक भी बताऊँ? हाँ बताओ। वो जैसे मैं अपनी बताता हूँ। हाँ। सतीश भाई, कि मैंने बकरी फार्म स्टार्ट किया, हम यादव कास्ट से हैं। हाँ। और कुछ लोग ये बोलते थे कि भाई आप यादव होके बकरी पालन कर रहे हो। हाँ। जिस दिन वो बोलते थे उनकी बात हम सुनते। हाँ। तो आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, उनकी बातों को हमने इस कान से सुना और इससे निकाल दिया। अगर आज कोई भी आदमी अगर मेरे फार्म से 10 बकरी खरीदना चाहे तो शायद उनको कोई करोड़पति होगा तो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है मध्यम वर्ग से, उनको जमीन बेच के बकरी खरीदनी पड़ेगी 10। हाँ सही है, महंगी महंगी बकरी हो गई। 50,000 से नीचे अपने पास कोई बकरी नहीं है। हाँ, भैंस के मोल की बकरी हो गई। 2.5 लाख का अपने पास बकरा है। हाँ। मुर्रा नस्ल की भैंस आती है 2.5 लाख में, जो 25 लीटर दूध देती है, सही है। उतने का हमने एक बकरा रख रखा है। हाँ। अगर ये नीची जात का ही काम होता। हाँ। तो फिर हम क्यों, हमारे पास ये इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? सही है। अगर यही सोच के जो नए किसान मित्र है वो ये सोच लेंगे, वो बकरी पालन नहीं कर सकते, काम करना है। आप देखो, पहले जो मोची था। हाँ। वो चमार होते थे। बार बार जो नाई थे वो कटिंग करते थे। हाँ। आज उनका भी तो चेंजमेंट हो गया। हाँ, सही है। किसी का पुश्तैनी काम नहीं रहा। हाँ। आप देख रहे हो कि बार बार वो किसी जात का है। हाँ। मोची वो उसकी जाति अलग है। हाँ। और जो माली है वो तो हर कोई कर रहा है, और फिर ये काम पीछे रह गया। हाँ, सही है ये बात तो। ये पीछे कहाँ रह गया? बकरी पालन हर कोई क्यों नहीं कर सकता? तो मेरा किसान दोस्तों से यही निवेदन है, ये जो छोटी सोच वाली बात है ये दिमाग में न रखें, क्योंकि ये हम पशुपालन खेती जो कर रहे हैं, जो हमारा पुश्तैनी काम है, उसके साथ साथ ये भी तो पशुपालन में आता है। हाँ, बिजनेस का रूप ले लिया आजकल तो बकरी पालन ने भी। बिजनेस का रूप ले लिया, और बिजनेस का क्या छोटा है क्या बड़ा होता है, और उसमें हाँ, क्या नीची जात ऊंची जात होती है, सभी करते हैं। अपने बच्चों के लिए पैसे सभी कमा रहे हैं, सभी खा रहे हैं, फिर इस काम में क्या दिक्कत है? मैं तो ये कहता हूँ, जो आदमी चोरी कर रहा है, कहीं डकैती कर रहा है, उससे बुरा बकरी पालन है क्या? उसे तो बुरा नहीं है। नहीं, उससे बुरा काम है। बुरा काम तो वो है, खुद का काम हो गया ना। नीचा काम तो वो है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। वो बता के गए है। भाई चोरी मत करो,
किसी को आप नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को हड़पो मत, किसी को छीनो मत, उससे बुरा काम तो नहीं है बकरी पालन। फिर इसमें एक बात जो बोलते हैं ना वो गलत है,